उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ ही यहां पर ईडी की छापेमारी एक बार फिर से तेज देखने को मिली है, जहां आज सोमवार सुबह ईडी की टीम 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंचती है। और इस छापेमारी में आलमगीर आलम मंत्री झारखंड सरकार में उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उनके पीए के आवास पर यह छापा पड़ रहा है और पीए के आवास के साथ ही पीए के सहायक के आवास पर भी यह छापा पड़ रहा है। इस वक्त हम उनके पीए के आवास के बाहर मौजूद है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल का ये आवास है, जहां पर सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची हुई है और हलचल तब यहाँ पर तेज हो जाती है जब पीए के सहायक की आवाज से 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद होने की बात सामने आती है। 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं संजीव लाल के पीए के आवाज से, जहांगीर आलम की आवाज से। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नोटों की गड्डियाँ, बंडल जो है वो उलेड़े जा रहे, चाहे वो झोला हो, बैग हो, तमाम चीज़ों से। कहा जा रहा है कि ये तमाम राशि जो है वो संजीव लाल की राशि है, इस वजह से भी ये छापेमारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आवास आप देख सकते हैं संजीव लाल का, जो है तमाम आला अधिकारी ईडी के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पैसे खंगाले जा रहे हैं। जिन नोटों की बरामदगी की गई है, उन नोटों का स्रोत क्या है, उस तमाम चीज़ों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यूँ तो कहा जा रहा है कि यह छापेमारी अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े तमाम ठिकानों पर हो रही है। सेल सिटी में भी अभियंता विकास कुमार के आवास पर छापेमारी चल रही है, उनसे जुड़े तमाम कनेक्शंस यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं। लेकिन जब तमाम कनेक्शंस की तार जो है वो एक राजनेता से जुड़ते हैं, झारखंड के मंत्री से जुड़ते हैं और उनके सहायक के आवाज़ से जो है वो छापेमारी होती है, और सहायक के भी सहायक के आवाज़ से जब पैसे बरामद किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक सुई जो है वो चुनाव और पैसे पर आकर अटकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि तमाम छापेमारी के बीच जो है वो क्या तार सामने आते हैं, क्या कहीं कोई तार, क्या कहीं कोई सबूत जो है वो नेता से भी जुड़ते हैं, या फिर ये छापेमारी जो है वो वीरेंद्र राम तक सीमित रहती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।